हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रीमी क्रिएशंस बाय हर्षा। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये रेसिपी की रिक्वेस्ट की थी कि मैं ग्रीन चटनी की रेसिपी अपलोड करूं। ये जो ग्रीन चटनी मैं आपको आज बनाने के लिए सिखाने जा रही हूं, तो ये चटनी 2-3 दिन 4 दिन तक भी काली नहीं पड़ेगी, इसका कलर इसी तरह से बरकरार रहेगा। तो इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर सबसे पहले 20 ग्राम जितना धनिया पत्ता ले लिया है, तकरीबन 1 कप जितना। और हाँ, ये धनिया हमें सिर्फ पत्ते नहीं लेने हैं, इस तरह की स्टिक्स भी साथ में ही लेनी है। अब इसमें 5 मिर्ची डालनी है। मिर्ची में मैंने डिवाइड कर दिया है कि 3 तीखी मिर्ची डाली है और 2 इस तरह की फीकी मिर्ची, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। क्योंकि इसमें मिर्ची का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा रखना है, मतलब तीखे के लिए नहीं, पर इसका कलर बरकरार रखने के लिए मिर्ची डालनी है हमें। और इसके बाद फुदीने के पत्ते, वो 15 से 20 ले लिए हैं मैंने। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक, लहसुन डालेंगे। आप नहीं खाते हो तो इसे अवॉइड कर सकते हो। अब इसके बाद हम इसमें अनियन डालेंगे, मीडियम साइज़ का हाफ अनियन हमें इसमें डालना है। तो ये इसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्राउंडनट्स, पीनट्स डालेंगे, वो भी हमें 15 से 20 लेने हैं। ये जिस जिस क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ उतनी ही क्वांटिटी लेना, ताकि इसका कलर बरकरार रहे। और इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पानी में साफ़ कर लेंगे और मिक्सर जार में ले लेंगे। मिर्ची ज़्यादा डालने से, मतलब मिर्ची का प्रोपोर्शन अगर धनिया पत्ते से कम होगा, तो कलर जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। और पुदीने के पत्ते भी हमें ज़्यादा नहीं डालने हैं, जितनी क्वांटिटी बताई उतना ही डालना है। और ये आप अभी जो वीडियो में देख रहे हो कि धनिया पत्ता मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मेरा 20 दिन का स्टोर किया हुआ धनिया पत्ता है। मैं इसे एक अच्छे तरीके से स्टोर करती हूँ, ताकि ये 15-20 दिन तक ऐसे का ऐसा ही रहता है। अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार। बहुत ज़्यादा नमक पहले से ही नहीं डाल देना है, क्योंकि अगर कम पड़ेगा तो आप ऐड कर सकते हो, ज़्यादा होगा तो नहीं कर सकते। अब 1 पूरे नींबू का रस, 2 सब इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्सर जार में डाल दिए हैं, बस इसे क्रश करना है। क्रश करने का भी एक तरीका है, वो आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए इसे क्रश किस तरह से करना है, पूरा एक साथ क्रश नहीं कर देना है, इसे एक बार से चलाना है, वापस बंद कर देना है, वापस से चलाना है और बंद कर देना है। तो इसी तरह से पूरी चटनी जब तक बन ना जाए, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है। देखिए ये आपको जिस तरह से दिख रही है, मैंने एकदम से क्रश नहीं कर दिए, ऐसी आपकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो क्रश इस तरह से करेंगे तभी ऐसी कंसिस्टेंसी आएगी। तो ये देखिए तैयार है चटनी हमारी, ग्रीन चटनी। आप इसे 3-4 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो और इसका कलर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और एक लास्ट टिप ये चटनी का कलर मेंटेन करने के लिए, वो है आपको इस चटनी को प्लास्टिक के कंटेनर में रखना है। आपको स्टोर करना है तो प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ करें, कोई स्टील या और किसी भी चीज़ का कंटेनर यूज़ नहीं करना है। अगर आपको देखना है कि मैं अपनी सब्जियां किस तरह से 15-20 दिन तक फ्रेश रखती हूं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि वो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना।